पहली बार ऐसा है कि मैं पनीर खा रही हूँ, लेकिन वो इतना हैवी नहीं लग रहा है, लाइट है, स्टिल टेस्टी है, और ज़्यादा मिर्ची नहीं है, ज़्यादा नमक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, ठीक है। आटे के चूर चुनाने हमारे मैदे के नहीं है। सब्जियों में, रायते में, किसी में कोई प्याज कोई लहसुन नहीं है इसके अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टाफीड। मैं हूँ हिमानी और आज हम खड़े हैं फरीदाबाद सेक्टर 12 में SRS सिनेमास के ठीक पीछे। कल रात हुई थी बारिश, भीगा भीगा सा मौसम है, धूप तो नहीं निकली लेकिन फूडी ज़रूर निकल पड़े हैं और साथ ही हम भी निकल पड़े हैं। और आज हम आपको लेकर आए हैं कश्यप भोजनालय में, जिनका चूर चूर नान कई मीलों तक फेमस है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कई और भी जगह ठेले लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या है कि ये भोजनालय लोगों के दिलों में इतने अंदर तक बैठ गया है, और चूर चूर नान की एक प्लेट खाकर आपको बताते हैं क्या है इनका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट। क्या नाम है आपका? नाम सतीश कुमार। कितने लोगों की टीम है आपकी? जी हमारे है 8-10 लोगों की टीम। कितने टाइम से आपके काम कर रहे हैं? जी हम यहाँ 2007 से काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा कि सिर्फ चूर चूर नान ही नहीं, आपके पास 7-8 आइटम्स और हैं, तो एक बार आप मुझे बता दें। जी हमारे पास चूर चूर नान है, पनीर नान है, मिक्स नान है, आलू नान है, बटर नान है, गोभी नान है, लच्छा पराठा है, मिस्सी रोटी है, रोटी है, परोठे में सारे हैं जी, लच्छे परोठे, आलू परोठे, आलू प्याज के परोठे, सारे आइटम है। सब्जियों में दाल मखनी है, शाही पनीर है, सोया चाप है, राजमा स्टैंड है, जो हमने आप करंट में बनाया हुआ है। जो हमारे चूर चुनाने वो आटे में है जी। अच्छा। आटे के चूर चुनाने हमारे मैदे के नहीं है, और जो हमारा खाना है ये बगैर लहसुन प्याज का है। अच्छा। जिसको जो बंदा लहसुन प्याज नहीं खाता ना, ठीक है, ये प्याज हमारे पास अलग से है। ये सब्जियों में, रायते में, किसी में कोई प्याज कोई लहसुन नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल आदमी भी खा सकता है और वैसे भी। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बनाया भी जा रहा है, तो आप ये कुछ सामान आप घर से बना के लेके आते हैं पहले से, या बिल्कुल रॉ यहीं पर आप बनाते हैं? हम अपनी दुकान से तैयार कर लाते हैं माल सारा। अच्छा, कहाँ है आपकी दुकान? यहाँ से अच्छा वहाँ से हम तैयार करवाते हैं, बाकी डोस वगैरह तंदूर यहाँ लगता है हमारा, सब्जियाँ हम सेट करके ले जाते हैं। तो आपके कहीं और भी इस तरीके के ठेले लगते हैं? एक और है जो हमारे नीलम पे है। अच्छा। SSB के साथ में, ये हमारे पिताजी बनाते हैं खाना। चूर नान की प्लेट है वो 120 की, 120 रुपए की। अच्छा। 20 रुपए का फ्रूट रहता है, और जो नॉर्मल थाली है हमारी रोटी की, मिस्सी रोटी की, लच्छे पराठे की, नान की, वो 80 रुपए की प्लेट है, और 20 रुपए का रायता अलग से है उसके अंदर। और मैंने सुना है कि इसमें अनलिमिटेड रिफिलिंग का भी कुछ है, कि आप कितनी बार सब्जी ले सकते हैं? सब्जी अगर एक बंदा खा रहा है, सब्जी अच्छी लगेगी तो लेंगे दोबारा। अच्छा। अगर सब्जी नहीं अच्छी लगेगी तो कोई रिफिल नहीं मांगेगा। और ये जो आपने मुझे रेट बताए, ये बदलते रहते हैं या शुरू से लेके अभी तक आपने ऐसे ही रखे हैं? नहीं, जो हमारा जो शुरू का रेट था, हमारी जो थाली थी 40 रुपए की थी स्टार्टिंग में। अच्छा। 40 रुपए की थी हमारी, 30 रुपए की प्लेट थी ये, जब आइटम बहुत सस्ता था, आज बहुत महंगा हो गया, थाली भी महंगी हो गई है। अच्छा, सारे ठेलों पे सेम रेट है, उस पे अलग है, यहाँ पे अलग है? यहाँ सेम रेट है। हम सुबह 9 बजे लगा लेते हैं यहाँ पे, सुबह 9 से लेकर 4:30 बजे तक का है, 7 डेज ओपन है। अच्छा, शाम को 4:30? 4:30 तक, कोई छुट्टी। अच्छा, ओके। और कब से कस्टमर्स आना शुरू होते हैं? कस्टमर 11 बजे से चालू हो जाते हैं। और कब तक आते रहते हैं? 4 बजे। अच्छा, 4 बजे तक चलते हैं। एक दिन में औसतन कितने कस्टमर्स आ जाते हैं? ये तो ये हमने अंदाजा नहीं लगाया, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कभी इतने आ जाते हैं। अच्छा, अपना माल बनाया अपना, कस्टमर को खिलाना है, इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है हमारे। क्या कोई आपका कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट है, इतना फेमस है आपका भोजनालय, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपका? क्या आप अलग, आपको लगता है कि चूरचूर नान बहुत फेमस है फरीदाबाद में, लेकिन आपके पास ऐसा क्या है कि अक्सर कस्टमर्स यहीं की बात करते हैं, एक बार नहीं बार बार आते हैं? आप खाओ, आप टेस्ट करो, आप बताओगे, आप भी तो खाओगे, आप खाओ, खाना खाओ, टेस्ट करो, उसके बाद आप बताओगे कि क्या फेमस है। फ्रूट रहता जिसमें अनार के दाने हैं, सेब है, खीरा है, टमाटर है, चुकंदर भी आई थी, मैं देख सकती हूँ, प्याज को छोड़ो, ये फ्रूट रहता है जी हमारा, ये 20 रुपए गिलास है। अच्छा, नॉर्मल रेट है ये 20 रुपए का, और उसके बाद ये हमारा बूंदी वाला रायता है, ये भी 20 रुपए गिलास ही है जी। दो दो रायते, ऐसा क्यों? अब आपको पसंद नहीं होगा फ्रूट वाला, तो आप बूंदी वाला लोगे। अच्छा अच्छा, बूंदी का पसंद नहीं है, फ्रूट वाला ले लोगे, ठीक है। और ये हमारी शाही पनीर है जी, आप देख सकते हैं टेक्सचर भी कितना थिक है, छोटे छोटे पनीर के, ये नहीं कि आपको पनीर इसमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, पड़ेगा आप जितनी कर्षी मारो, हाँ, पनीर आपके पास आएगा। और छोटे पनीर के टुकड़े नहीं है कि बिल्कुल दिल मिले, लेकिन इतने बड़े बड़े अच्छे खासे लोग आपको पनीर ही पनीर देखेगा, पनीर आपका, ग्रेवी हमारी, ये हमारी दाल मखनी है जी। मुझे जरूर इसे देख के मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि इतना इसका थिक टेक्सचर है, और बिल्कुल भी जैसे और ठेलों में पतली पतली दिखती है वैसे नहीं है, ग्रेवी वाली गाड़ी ग्रेवी है इसकी। ये हमारी रोटियां हैं, ये प्लेन नान है। अच्छा। ये नाम है आलू नान है,
ये पनीर नान है, मिक्स नान है और ये हमारे चोरचू नान भरे जा रहे हैं। सुबह कितने बजे से शुरू कर देते हैं? 9 बजे से लेके 4:30 तक लास्ट। 9 बजे से शुरू करते हैं मतलब ये सब प्रिपरेशन में तो और भी शुरू कर देते होंगे और भी पहले से? 4 बजे तक, 4:30 तक मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। अच्छा। और काम करता रहता हूँ अपना। थाली लगने जा रही है, हमने चूरचूर नान ऑर्डर किया एक प्लेट, तो देखते हैं कैसे कैसे कश्यप भोजनालय में एक थाली चूरचूर नान बनाया जाता है। सरेड हो गया, ये आपकी ग्रीन चटनी हो गई। हमारी प्लेट में 2 सब्जी आती है यहाँ पे, मगर हम आपको 3 सब्जी देंगे टेस्ट कराने के लिए। आप टेस्ट बताओगे सब्जी कैसा है, उसके अलावा आप और लेना चाहो सब्जी तो और ले लेना। ठीक है। ये आपकी शाही पनीर, दाल मखनी, सोया चाप, ये आपका रायता फ्रूट। उधर चूचुनान लग रहे हैं अंदर, अभी बाहर ले लेंगे। वो चूचुनान बाहर आ गया आपके। चलिए, हमने ऑर्डर करी थी कश्यप भोजनालय की फेमस चूरचू नान की एक प्लेट, देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए आप, ड्राई फ्रूट्स, पनीर और मक्खन सब इसमें डला हुआ है। देख के ही इतना बहुत हैवी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। ट्राई करते हैं, चलिए पहले पनीर से ट्राई करके देखते हैं। नाइस। खाली ग्रेवी भी ट्राई करते हैं। पहली बार ऐसा है कि मैं पनीर खा रही हूँ लेकिन वो इतना हैवी नहीं लग रहा है, लाइट है, स्टिल टेस्टी है। और ज़्यादा मिर्ची नहीं है, ज़्यादा नमक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, ठीक है, अच्छा टेस्ट है। अब हम दूसरी बाइट लेंगे दाल से, बताते हैं कैसा है। क्या हो गया? दाल भी अच्छी है बट आई थिंक पनीर ज़्यादा अच्छा था, पनीर का टेस्ट इज बेटर देन दाल। बारी है चाप की, चाप के साथ एक बार ट्राई करके देखते हैं, आपको बताते हैं। आई थिंक चाप पनीर और दाल से भी ज़्यादा अच्छा है, मेरा पर्सनल फेवरेट चूरचू नान और चाप है, सारे अच्छे बट आई थिंक चाप का टेस्ट वाज लाइक शेफ्स किस। ट्राई करते हैं फेमस फ्रूट रायता, बहुत ही कम ऐसे स्टॉल्स होते हैं जिसमें आपको रायता मिलता है, उसमें से भी बहुत कम स्टॉल्स होते हैं जहाँ पर आपको 2 तरीके के रायते मिलते हैं, फ्रूट रायता और नॉर्मल बूंदी का रायता। हमने फ्रूट रायता के लिए ऑप्ट किया था, देखते हैं कैसा है। नाइस, अच्छा है, ठंडा है, बरसात के मौसम में चटपटा मिल गया, अच्छा मिल गया, ठंडा मिल गया, सही रेट पर मिल गया, आपको क्या चाहिए। मैं अपनी तरफ से ज़रूर आपको एक बार सजेस्ट करूँगी, ज़रूर आएँ कश्यप भोजनालय में, एक प्लेट चूरचूर नान, मैंने तो चूरचूर नान लिया था, आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, और इतना टेस्टी बनाया है, हाइजीनिक है, सही रेट पे आपको मिल रहा है, अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं है, हालांकि चाप थोड़ी सी मुझे लग रहा है, चाप थोड़ी सी स्पाइसी है, तो अगर आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप पनीर और दाल के साथ खाएं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप चाप के साथ ट्राई करें, पर ट्राई ज़रूर करें क्योंकि बरसात के मौसम में सबका मन होता है कुछ स्पाइसी खाने का, कुछ ऐसा खाने का जो आपकी टेस्ट बड्स को और अच्छा फील कराए, और ऐसे में चूरचू नान और वो भी कश्यप भोजनालय का को ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए।